तो ही गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस इस एपिसोड में आई को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में डाल चुका हूँ, जो कि गाइस फर्स्ट था आउटलाइन का वीडियो जहाँ पर मैं ग्रिड का यूज़ करके आउटलाइन को बनाया था, और सेकंड था गाइस जो हेयर की ट्यूटोरियल। तो गाइस हेयर को मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं हेयर को बनाया था। तो उस दोनों का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में मिल जाएगा आपको, तो नहीं देखे तो देख लेना। तो गाइस इस एपिसोड में आई को कवर करने वाला हूँ। तो गाइस बहुत ईजी है गाइस, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और लाइट और डार्क को देख के यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर जाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट मैं एजी पेंसिल 2B पेंसिल यूज करके मैं फर्स्ट लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डार्कनेस को अचीव करने के लिए यहाँ पर मैं 4B 10B इस तरीके से डार्क पेंसिल का यूज करके यहाँ पर मैं आई को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर आई को ड्रॉ करता हूँ, बनाता हूँ। तो HB पेंसिल के बाद यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ी सी डार्कनेस को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो जहाँ पर भी ज़्यादा डार्क लगेगा इसके बाद, तो वहाँ पर मैं 10B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आईबॉल को भी यहाँ पर जो ज़्यादा तो डार्क नहीं है, पूरी तरह से डार्क नहीं है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी लाइट पड़ रहा है, जहाँ पर भी व्हाइट पार्ट है, हाईलाइट पार्ट है, उसको छोड़ के यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। और जो आई की जो हेयर है उसको भी मैं यहाँ पर देख के यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा डार्क है, लगता है मेरे को ज़्यादा डार्क है। तो वहाँ पर मैं फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो गाइस फर्स्ट लेयर शेडिंग हो जाने के बाद अभी यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए। इसके बाद क्या करूँगा गाइस, फिर से एक लेयर बढ़ाने वाला हूँ फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी थोड़ी सी डार्क वैल्यू है। तो उसी तरह से फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेयर बाय लेयर जाने वाला हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ यहाँ पर। गैस यहाँ पर जो भी छोटे छोटे डिटेल वर्क है उसको मैं बनाने के लिए यहाँ पर गैस मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 0.5 mm का है। तो गैस आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है अभी तो चलेगा, आप जो HB पेंसिल है उसको थोड़ी सी शार्प करिए और यहाँ पर बनाइए। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लगेगा गैस, क्योंकि डिटेल वर्क है तो आपको ज़्यादा ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो गैस यहाँ पर जो भी छोटे छोटे हाईलाइट पार्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और गैस यहाँ पर आगे मैं जो टोम्बो का इरेजर रहता है, टोम्बो मोनो इरेजर, उसका भी यूज़ करने वाला हूँ। तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी लाइट पड़ रहा है, जहाँ पर भी हाईलाइट पार्ट है उसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आईब्रो पार्ट में आया। तो गैस यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर देने के लिए यहाँ पर जो हेयर की डायरेक्शन है फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ एक ही हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए। तो यहाँ पर गैस मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइट पेंसिल है। तो उसके बाद ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर 4B पेंसिल, उसके बाद 10B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ डार्कनेस को अचीव करने के लिए। तो देखिए मैं किस तरह से लेयर बाय लेयर फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी हेयर की डायरेक्शन है, किस तरह से एक एक हेयर की डायरेक्शन जा रहा है उसको देख के यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए
तो गाइस जिस तरह से मैं फास्ट आईको और जो फास्ट आईब्रो है उसको मैं कंप्लीट किया, उसी सेम प्रोसेस उसी सेम टेक्निक्स का यूज करके यहाँ पर मैं सेकेंड आईको और सेकेंड आईब्रो को यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो जिस तरह से सेम प्रोसेस है गाइस, सेम टेक्निक सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पर उसी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस से यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से बनाता हूँ यहाँ पर। तो गैस अभी फिलहाल मैं फोरहेड पार्ट में आया हूँ, तो गैस यहाँ पर भी उसी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस का यूज करके मैं शेडिंग और ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पर फास्ट लेयर देने के लिए यहाँ पर एचबी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, और गैस यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी पेंसिल को मैं पीछे पकड़ा हूँ क्योंकि गैस जो शेडिंग है बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए गैस यहाँ पर मैं फास्ट लेयर को और जो भी शेडिंग है गैस जब भी शेडिंग करोगे तो थोड़ी सी पीछे पकड़ के शेडिंग करना। तो गैस शेडिंग करने के बाद यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ा सरफेस है इसलिए टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ, और बहुत ही हल्का प्रेशर का यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही स्मूथ सी इफेक्ट आएगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर एक लेयर और देना हो जो कि टू पेंसिल यूज करके फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी लग रहा है कि मेरे को एक लेयर देना है, तो और थोड़ी सी जो लेयरिंग है और थोड़ी सी जो डार्कनेस है उसको बढ़ाना है। तो उसके बाद यहाँ पर टू पेंसिल का यूज कर रहा हूँ तो इसको भी ब्लेंड करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस जहाँ पर भी लगेगा और थोड़ी सी डार्क वैल्यू है तो वहाँ पर गाइस फोर पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ, उसके बाद ब्लेंड करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं गाइस, मैं शेडिंग करते समय थोड़ी सी इरेज भी कर रहा हूँ जो कि गाइस जो पैचेस है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ जो कि शेडिंग करते समय आता है, तो उसको इरेज करना ज़रूरी है गाइस, नहीं तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। तो गाइस अभी फिलहाल हाईलाइट दे रहा हूँ जहाँ पर भी लाइट पड़ रहा है और हाईलाइट पार्ट है उसको मैं यहाँ पर निरेबल इरेज का यूज़ करके यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आपको जो ड्राइंग है रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जो भी छोटे छोटे हेयर है जो कि स्किन पर कनेक्ट हो रहा है और रियलिस्टिक सा लुक देगा तो उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर टू पेंसिल का थोड़ी सी शार्प करके यहाँ पर मैं जो भी छोटे छोटे हेयर है उसको बना रहा हूँ जो कि रियलिस्टिक सा लुक देगा। यहाँ पर जरूरी होता है गाइस इसको ड्रॉ करना, नहीं तो आपकी फोटो रियलिस्टिक सा लुक नहीं देगा जो ड्रॉइंग बना रहे हो। तो गाइस यहाँ पर जो छोटे छोटे हेयर है उसको बना रहा हूँ। तो गाइस इस एपिसोड को यहाँ पर ही रोक रहा हूँ, तो गाइस आगे इसको प्रोसीड करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस इस एपिसोड किस तरह से लगा, इस ट्यूटोरियल किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, और गाइस अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी बजा देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।